और आप देख रहे हैं वाइज एफएम पे न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। नीमच जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज प्रस्तुत हुए नामांकन में भाजपा की ओर से केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के पास प्रस्ताव और समर्थक नहीं होने के चलते पार्टी की तरफ से दावेदारी नहीं की गई। नीमच जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पूर्व विधायक स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी के बेटे सज्जन सिंह चौहान को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वही उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने जानीबाई शंभुलाल धाकड़ को अधिकृत किया। वही बात करें तो जिला पंचायत की 10 में से 5 सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय जीते हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास अध्यक्ष पद को लेकर कोई प्लान नहीं है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाजपा के ही बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस को बड़ा झटका मनासा में लग चुका है, जिसे कांग्रेस ने अधिकृत किया था। वह जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो चुका है। जिला पंचायत की 10 में से 4 सीटों पर सबसे अधिक 8 उम्मीदवार महिलाएं जीत कर आई हैं, जबकि 2 उम्मीदवार पुरुष के जीते हैं, जिसमें भाजपा से सज्जन सिंह चौहान और कांग्रेस से तरुण बाहेती के नाम शामिल है। दोनों ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस के उत्तर सूरज तरुण बाहेती की इतनी बड़ी जीत पर पानी फिर गया। अभी हम लोग जिला स्तर जिला पंचायत कार्यालय पर मौजूद है। यहाँ पर भारी भीड़ जमा है, जनता का हुजूम लगा हुआ है, परिणाम को लेकर उत्सुकता है। वहीं पर ये स्पष्ट हो चुका है अभी तक कि जो फॉर्म भरे गए हैं वहाँ पे अध्यक्ष के लिए मात्र एक ही फॉर्म भरा गया है, और ये साफ नज़र आ रहा है, साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे सज्जन सिंह जी, खुमान सिंह शिवाजी। लेकिन अभी ये अधिकृत घोषणा होना अभी बाकी है। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं श्री नीलेश जी पाटीदार, पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी को मौजूद आई है, उनसे बात करती है। देखो संभावना है तो की संभावना हमेशा स्पष्ट रहती है जी, 10 में से 9 नंबर हमारे पास है। निश्चित रूप से ये कमल ही कमाल है, बाकी सब कमाल है। जो शिवराज सिंह जी चौहान जी शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह कमल खिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी के दशक में नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देख सकते हैं आप। तो निश्चित रूप से ये उत्साह इस बात की प्रकार है, इस बात का परिचायक है कि कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता जो चुनाव में मेहनत करता है, आज उनके परिणाम का दिन है। आज ये जो मुखौटा सामने आना है उसका दिन है, निश्चित रूप से अपार उत्साह है। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, पर्ची की निर्वाचन आयोग की एक मर्यादा और एक गरिमा है। निश्चित रूप से आयोग के माइक से सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारी और बिल्कुल कानून का पालन करने वाला होता है। जब तक माइक से घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम हमारे मुंह से किसी बात की घोषणा नहीं करते। पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर खिलेगा, और पूरे मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी के नेतृत्व में, रूडी शर्मा जी के नेतृत्व में जहां कमल खिला है, नीमच में भी आज जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये था आपका अपडेट, लगातार हर खबर के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। शुक्रिया।